हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आई एम सानू आज मैं आपको कोई हेयर ग्रोथ टिप या रेमेडीज नहीं बताऊंगी बल्कि आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूं मेरे बालों में जो चेंजेज आई हैं वो कैसे आई मैंने क्या क्या अपनाया मैंने क्या क्या गलतियां की ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ इसके साथ ही मैं अपने कुछ साल पहले की पिक्चर्स भी आपके साथ शेयर करूँगी तो वीडियो को आप एंड तक देखना सो लेट्स गेट स्टार्टेड ये सारी पिक्चर्स तब की हैं जब मैं इलेवेंथ ट्वेल्थ में हुआ करती थी जो काफ़ी बिजी टाइम होता है एक स्टूडेंट के लिए मैं साइंस के स्टूडेंट थी तो मेरी बहुत सारी कोचिंग वगैरह होते थे इसलिए मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता जिससे मैं अपने बालों की केयर करूँ वीक में बस एक बार हेयर वॉश करना यही मेरी हेयर केयर रूटीन थी ना मैं कोई ऑयल लगाती थी ना ही मुझे उस वक्त कुछ पता था कि बालों में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए 2015 टू 17 मैंने इलेवंथ ट्वेल्थ किया और आप देख सकते हो इस वक्त मेरे बालों में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हुई है थोड़े थोड़े से बाल बढ़े हैं मेरे जो कि ना के बराबर हैं मिड टू से स्टार्ट हुई थी मेरी कॉलेज लाइफ और इस वक्त तक हमारे पास इंटरनेट भी अच्छे से आ गया था तो मेरी जो भी ख्वाहिश थी लंबे बालों की उसके बारे में मैंने यूट्यूब पे सर्च किया बहुत सारी वीडियोस देखी फिर थोड़े थोड़े टिप्स जो मुझे पसंद आए उसे मैं अपनाने लग गई मैंने अपने बचपन की दो आदतें सुधारी पहली मैं बालों में ऑयलिंग बिल्कुल नहीं करवाना चाहती थी मुझे चिपके हुए बाल पसंद नहीं थे बालों में ऑयल लेने से मुझे बहुत हैवीनेस फील होती थी मैं बहुत भागती थी बालों में ऑयल डे से लेकिन जब मेरी ट्वेल्थ बोर्ड आई उस वक्त बहुत प्रेशर होता है। हैड एक की प्रॉब्लम हमेशा मुझे रहती थी तो जब भी मुझे मुझे हेड एक या प्रेशर फील होता मैं मम्मी या दीदी से बोलती मेरे बालों की चंपोई कर दो मेरे बालों में तेल लगा दो तो अब ये मेरी आदत हो चुकी थी बालों में चंपी करना बालों में ऑयलिंग करना पहले मैं जहाँ छह मंथ में एक बार ऑयल लगाती अब मैं हर वीक लगाने लग गई जो आप देख सकते हो 2017 में आपको मेरे बाल थोड़े से बढ़े हुए दिखेंगे उनमें थोड़ी सी लेंथ बढ़ी है दूसरी जो मेरी आदत थी वो ये कि मेरे बाल जब भी शोल्डर लेंथ तक आते हैं या उससे नीचे आते तो बाल बहुत बेकार दिखने लगते स्प्लीटेंट जो थे वो हो जाया करते थे इसलिए जब भी मैं पौनी टेल बनाती या बाल खुले रखती तो बाल बहुत ही बेकार बहुत ही फालतू दिखते थे इसलिए मैं एक साल तक बालों को बढ़ाती और हर बार जिस लेंथ पर आकर मेरे बाल खराब होते मैं जाकर फिर से उसी लेंथ तक बालों को कटवा लेती जहाँ पर मैंने जहाँ से मैंने बालों को बढ़ाना शुरू किया था तो इससे मेरे बाल बिल्कुल बढ़ नहीं पाते थे हमेशा सेम लेंथ पर ही आ रुक जाते थे बट लास्ट टाइम यानी कि 2016 में जो मैंने सबसे फर्स्ट पिक दिखाई है आपको उस वक्त पार्लर वाली दीदी ने मेरे बाल बहुत ही छोटे कर दिए हैं मेरे बाल उस वक्त बहुत बड़े हुए थे लेकिन पार्लर में मेरे बाल बहुत छोटे कट कर दिए गए जिसके वजह से मुझे बहुत गुस्सा आया तो इस बार जब मेरे बाल बढ़े हैं जो आप 2018 की पिक्स में देख सकते हो तो हमेशा की तरह नीचे आकर थिन हो गए जिसे मैंने घर पर ही नीचे से ट्रिम कर लिया चार से पाँच सेंटीमीटर बालों को कट कर लिया तो स्प्लिटेंट्स जो मेरे थे वो भी निकल गए और मेरे बाल छोटे भी नहीं हुए उनकी जो लेंथ थी लगभग उतनी ही रह गई जिसके बाद से मैंने पार्लर जाना ही छोड़ दिया हर तीन से चार मंथ में मैं यही करती जो नीचे के बेकार बाल होते उन्हें खुद से ट्रिम कर लेती तो इसी तरह से मैं हर तीन से चार मंथ में बालों को नीचे से ट्रीम कर लिया करती थी तो इससे बाल मेरे छोटे भी नहीं होते और जो बेकार बाल होते वो निकल भी जाते और इन दोनों तरीकों का असर मेरे बालों पर दिखने लगा साथ ही जो मैंने छोटे छोटे टिप्स अपनाए उनका भी असर हुआ और आप 2019 की पिक्स में देख सकते हो मेरे बालों की लेंथ में कितनी ग्रोथ आई है मेरे बाल बहुत तेजी से बढ़ने लगे उस टाइम तो अभी मैंने बालों को जून में ट्रिम किया था जब मैंने माय हेयर ग्रोथ सिगरेट वाली वीडियो बनाई थी और आप देख सकते हो उस वीडियो में जाकर मेरे बालों में जो लेंथ है और अभी की वीडियो में देख सकते हो मेरे बाल बढ़े हुए दिखेंगे आपको तो ये दोनों जो तरीके थे ये तो सबसे इम्पोर्टेंट था मेरे बालों की ग्रोथ के लिए इसके साथ ही मैंने बहुत सारी डी आई वाई ऑयल यूज किया सिल्की सानी बालों के लिए मैंने बहुत सारे हेयर मास्क लगाए इसके बारे में मैं आपको बताती रहती हूँ अभी मैं अपने बालों पर काम कर रही हूँ जिससे मेरे बालों में थोड़ी थिकनेस आ जाए मेरे बालों की लेंथ थोड़ी और बढ़ जाए जो भी चीज़ें मुझे इफेक्टिव लगेंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसलिए आप मेरे साथ बने रहना चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ये सारी टिप्स पसंद आई हो तो आप इन्हें अपना सकते हो मैं आपको फोर्स नहीं कर रही या फिर बता नहीं रही कि आपको ऐसे करना चाहिए ये सारी चीज़ें वो थी जो मैंने अपनी लाइफ में